तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा डे टू इन थाईलैंड। तो आज हम लोग निकल रहे हैं बैंकॉक से फुकेट के लिए, और अभी बैंकॉक से हमारी है फ्लाइट फुकेट की। रेडी? गुड मॉर्निंग, चलो चलो। सुबह सुबह रंग सब लोगों को भी जल्दी रेडी होने का टाइम नहीं मिला। टाइम उस समय हो रहा है 5:45 2nd of October, गांधी जयंती। हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू। सरकारी छुट्टी मारी गई है, समझ सकते हैं, संडे के दिन पड़ गया है। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, जो कि है फुकेट के लिए। लोग के सभी पेमेंट वगैरह करते हैं। तो अभी चेक इन बैग का जो है हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है, और अंदर से कुछ इस तरीके से है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। फुकेट के एयरपोर्ट से अभी जस्ट हम लोग बाहर निकले। नीचे से हम लोगों ने टैक्सी किया है 900 baht का, जो कि है हमारा क्या था, बेसवाना फुकेट हम जा रहे हैं वहां पर अभी। हमको कैब से 1 किलोमीटर पहले उतरना पड़ गया। उसके पीछे का रीज़न यही रहा कि यहाँ पर कोई एक फेस्टिवल चल रहा है, और उसमें काफ़ी बड़ी रैली चल रही हैं। पटाखों की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको। Thank you.
हमारा स्टे है आज का। तो प्रॉपर्टी बहुत ग्रीनरी के साथ में और बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। ये देखो यहाँ पे शिफ्ट खड़ी है। तो लोकेश और धीरज सर वहाँ पे हमारा चेक इन करवा रहे हैं और अगली मैम और मुझसे रहा नहीं गया तो हम आ गए फूल देखने। ओह माय गॉड, ये हमारा ही वेट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे कोई होता नहीं है। नाइस। तो हम आ गए हैं अब अपने रूम में चेक इन करने के लिए और ये है यहाँ पे वॉशरूम, क्यूट सा छोटा सा क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूम है। तो अच्छा है, स्टैंडर्ड रूम भी बढ़िया है हमारा। और यहाँ पे लोकेश कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हुए फ्रिज में। और ये है हमारा बेड और ये रहे बस यही है, छोटा सा कॉमन सा रूम है। तुम एक चीज़ देखो लोके मैं इधर आओ देखो लाइट्स को देखना, यहाँ भूत तो नहीं है। ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग विद द लाइट। अब हम जा रहे हैं पूल पे, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये जो स्ट्रीट्स हैं ये हैं स्ट्रीट्स यहाँ की, क्या बोलते हैं, दिस इज द ओल्ड स्ट्रीट्स, ओल्ड टाउन स्ट्रीट्स। सो वी आर इन ओल्ड टाउन स्ट्रीट्स और बहुत ही सुंदर सुंदर लोग यहाँ पे आसपास में घूमते रहते हैं हमारे। और कहना ये चाहते हैं कि देखो यहाँ पे लेस आपको खाने को मिल जाएगा विथ थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज के अंदर में लिखा हुआ, ठीक है। और बाकी जो अभी भाई लोग जा रहे हैं ना, हम लोग जा रहे हैं पीछे एक वेजिटेरियन फेस्टिवल चल रहा है वो देखने के लिए, अगर हमारी देवियाँ हम लोगों को अलाउ करती हैं, वो भाग गई हैं आगे, अगर वो हम लोगों को अलाउ करती हैं कि हम लोगों ने उधर जाना है। बाकी यार गाइस जो पार्टी करने वाले बंदे होते हैं ना सारे के सारे, देखो बियर वियर हर एक फ्रिज के अंदर में अवेलेबल है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, सब अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो स्मार्टी बॉय आज स्विमिंग करके काफ़ी अच्छा लगा, मेरी आँखों में पता नहीं क्या हो गया था। बस जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम लोग को उतने टाइम में थोड़ी देर रेस्ट करने को मिल गया। यहाँ पे ये भी कुछ है, फुकेट थाई हुआ म्यूजियम। तो ये म्यूजियम है यहाँ पे, फुकेट थाई हुआ म्यूजियम। अब इसके अंदर में क्या है वो पता नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है इसकी वो मॉर्निंग में 9:00 ये ओपन हो जाता है एंड 5 PM इट विल बी क्लोज। तो ये स्ट्रीट्स हैं यार, और जो यहाँ की कार्स हैं नॉर्मल, हमारे कोरोला हो गई, ऑल्टीज हो गई, ठीक है, एंडेवर हो गई और स्विफ्ट हो गई, स्विफ्ट न्यू मॉडल भी जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमें, होंडा सिटी हो गई, सिविक हो गई, सिलेरियो हो गई, तो ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। वॉल्वो XC90 हो गई ईजिली अवेलेबल, जो टैक्सी के अंदर मैक्सिमम चलती है वो यहाँ पे फॉर्चुनर चलती है, टोयोटा चलती है, करोला चलती है। सो हेलो, इन दिस स्ट्रीट यू कैन enjoy the glamour also. So लॉन्डिया का ही आगे, लॉन्डे हैं पीछे। So जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया था पहले भी कि इधर एक फेस्टिवल चल रहा है, वेजिटेरियन फेस्टिवल। यही था क्या? नो, वो पीछे था कट। हर संडे यहाँ पे। तो दिस इज द संडे मार्केट और यार मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि औरों को समझाने के लिए यहाँ पे इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है आपको। मैं उनकी इंग्लिश नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे। और तो देखो ये काइंड ऑफ जनपद मार्केट,
ठीक है। टू पेयर्स जो है वो 70 बाथ्स, वन पेयर 35 बाथ्स, फाइव पेयर्स 100 बाथ, तो टोटली इट्स लाइक अ जनपद मार्केट, एसएन मार्केट। हाँ तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब बेसिकली ये है कि अपने उधर सस्ता मिलेगा, यहाँ पे महंगा मिलेगा। चीज़ ये है क्योंकि 100 बाथ से अप्रॉक्सीमेटली 250 अराउंड, ओके तो ठीक है, या 250 बोल लो या 2.30 बोल लो, इट्स टोटली अपॉन द करेंसी रेट, क्या करंट रेट चल रहा है उस टाइम पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे सॉसेज, तंदूर आइटम विजिबल, गोल्डन पोर्क रिब्स 100 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली 100 बाथ। ऑरेंज जूस, सम गुआवा जूस, बस दिस वाटर, दिस इज अ संडे मार्केट राइट, विच मार्केट इज दिस संडे मार्केट, सॉरी ओके, तो आप लोग समझ ही गए होंगे भाई की जो दिक्कत है यहाँ पे, थोड़ी इंग्लिश की दिक्कत है, मैं उससे नॉर्मली पूछ रहा हूँ ये मार्केट कौन सी है, तो वो मेरे को बता रही है 70 बात, तो वो मेरे को जूस के रेट बता रही थी वहाँ पे। With the garlic butter, तो थाईलैंड में जितना लाफिंग बुद्धा बुद्धा फेमस है उतना ही हमारी गणेश जी भी फेमस है यहाँ पे। ओंकू इज़ अ बेकरी शॉप, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कैंडीज, मफिन्स और ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, मतलब कि यहाँ पे कुछ खाओ मत आके, लेकिन फ़ोटो क्लिक करने के लिए इस जगह पे ज़रूर से आओ। क्या लिखा है यहाँ पे? चिकन बिरयानी, दिस इज चिकन राइट? तो यार अभी हम लोगों ने खाया यहाँ पे चिकन बिरयानी, अप्रॉक्सीमेटली 70 भात का हम लोगों को ये पड़ा है, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहा ये खाना। तो यहाँ पे जो जो हम लोगों ने टेस्ट किया वो सारा ही अच्छा मिला अपने को, है ना, तो बस यही है। अब कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट देख रहे हैं जहाँ पे आराम से बैठ पाएँ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वापस अपने रूम में। तो ये स्ट्रीट है, धीरे धीरे करके काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है ये एरिया अभी,